सिक्किम का यह स्तूप जो बुरी आत्माओं से स्थानीय लोगों की रक्षा करने हेतु बनवाया गया, जो दोड्रल चोटन के नाम से फेमस है, जिसका निर्माण 1946 में गुरु रिम्पोचे ने करवाया, जो तिब्बत बौद्ध धर्म की 5 प्रमुख शाखाओं में से एक है। इसी जगह 2 अन्य छोटे छोटे स्तूप भी स्थित है। यह स्तूप तिब्बत अध्ययन संस्थान के करीब स्थित है। कहा जाता है कि गुरु रिम्पोचे के आने से पहले यहाँ दुष्ट आत्माओं का वास था। जो भी यहाँ आता था यहाँ मौजूद बुरी शक्तियों का शिकार हो जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके अंदर सभी मंडल संग्रह की पवित्र पुस्तक और मंत्र सहित अन्य धार्मिक चीजें रखी गई है और यहाँ 108 प्रार्थना चक्र भी स्थापित किए हैं, जिसे ओम मणि पूहम के मंत्र उच्चारण के साथ घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। और इसी परिसर में अपना एक शिक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया है, जहाँ एक बार में 700 बौद्ध भिक्षु रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं।